नमस्कार दोस्तों, एक गाड़ी है मारुति इको। तो इस गाड़ी में अचानक चलते चलते ये गाड़ी बंद हो गई थी और ये जो चेक लाइट है ये ब्लिंग होने लग गई थी और गाड़ी गैस और पेट्रोल दोनों पे लोड नहीं ले रही थी। तो अपन ने इसको अभी स्कैन किया तो स्कैनिंग में ये ट्रबल कोड आ रहा था। तो इसमें सिलेंडर फोर इंजेक्टर सर्किट लो और मल्टी सिलेंडर मिस फायर डिटेक्शन सारे, मतलब चार, एक दो तीन चार, चारों सिलेंडर दिखा रहा है ये। तो अपन ने इसको स्कैन कर लिया, अभी इसकी इग्निशन कॉइल और स्पार्क प्लग अपन बाहर करेंगे और दिखाते हैं फिर उसके बाद आपको लाइव। तो ये इसकी जो इग्निशन कॉइल है ये सही है, लेकिन इसके अंदर जो है ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन है। अभी इसके जो स्पार्क प्लग है वो भी बाहर निकालेंगे। तो अभी इसके स्पार्क प्लग वगैरह सब बाहर निकाल लिए। इसके स्पार्क प्लग है तो इसमें एक जो स्पार्क प्लग है वो थोड़ा डैमेज लग रहा है, तो अभी अपन इसको साफ़ करेंगे। वैसे इतने ख़राब नहीं है, ज़्यादा इसमें जो दिक्कत थी वो इसकी वजह से थी। ये देखिए, इसमें कार्बन सभी में आ गया। ये जो ये कार्बन है और जो मिसिंग की जो प्रॉब्लम आ रही थी वो चारों में इसकी वजह से आ रही थी। ये इनके अंदर भी कार्बन है। ये स्प्रिंग वगैरह सब अपन साफ करेंगे। और इसके अंदर भी जो कार्बन है जो रस है इसको क्लियर करेंगे और जो स्पार्क प्लग है इसको भी अपन क्लियर करेंगे, उसके बाद इसे ही लगाएंगे। ये गाड़ी जो है कंप्लीट हो गई है। गाड़ी में स्टार्ट करने के बाद ना ही तो कोई चेक लाइट है और ना ही गाड़ी में मिसिंग है।